अरे ये कालिया कब तक आएगा? जरूर कहीं खर्राटे मार रहा होगा। कहीं उसकी वजह से हमारी बस ना छूट जाए। कालिया, इतना सारा सामान, इसके लिए तो हमें एक अलग ही गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। मेले में तुम्हारा स्वागत है मेरे रसगुल्लों। शलाका, ये मेला तो हर बच्चे के सपनों का मेला है, पर यहाँ और बच्चे क्यों नहीं हैं? ओ मेरे शक्की श्रीखंड, ये मेला आज ही खुला है और तुम सब मेरे पहले मेहमान हो, बाकी और भी बच्चे बस आते ही होंगे। मेले के पहले दिन पे जो आए हर सवारी का मजा पाए। चलो ढोलक पर जाकर बाकी बच्चों को भी इस मेले में ले आते हैं। दरवाजा कहाँ गया? और ये दीवार इतनी लंबी कैसे हो गई? लगता है झूलों पर झूलकर मेरा सर घूम गया है। दरवाजा कहीं नहीं मिल रहा, शलाका से बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं। रेल को रोको नहीं, रेल से ठोको, तब आएगा मजा। Ha ha ha!
के साथ सब कुछ गायब हो जाएगा। ये जोकर, ये झूले और तुम सब बच्चे भी। मेले को छोड़कर कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं, भीम से खराब हो रहा था। भीम, मैं वापस आऊंगी अपना बदला लेने। आज का दिन तो काफी रोमांचक था। अब तो कोई बोर नहीं हो रहा ना? ये बॉक्स यहाँ किसने रख दिया? शेर की खाल, इसे पहनते हैं और उस्ताद को ऐसा डराते हैं कि सिर्फ नानी नहीं, नानी का पूरा गांव याद आ जाए। शेर बनकर उस्ताद को डराने में मजा आ रहा है। मेरे शेर का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अब इससे भी ज्यादा रोमांचक करतब देखेंगे आप मेरे शो में, तो टिकट ले लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। लगता है तुम्हारा शेर तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। क्या ये सच में तुम्हारा शेर है या कोई हेर फेर है? जानवरों का क्या है, बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, कभी प्यार करें कभी। इस अफरा तफरी में ढोलू बोलू कहाँ रह गए? चलो उन्हें ढूंढते हैं। ना जाने वो शेर की खाल किसने पहन ली और रिंग मास्टर ने मुझे काम से निकाल दिया। शेर की खाल मतलब वो शेर असली नहीं था? नहीं, वो तो रिंग मास्टर की जादुई शेर की खाल है। जो भी उसे पहनता है शेर बन जाता है। शेर से करवाता हूँ करतब कमाल, पहना कर किसको भी मेरी जादुई खाल। तुम मेरे इलाके में आकर मुझसे लड़ोगे? शराफत से इस खाल के अंदर जो हमारे दोस्त ढोलू भोलू हैं, उन्हें रिहा कर दो। तुम अपने दोस्तों को भूल जाओ। भोलू, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है? ढोलू भोलू शांत। भीम, तुम्हारे दोस्त अब अपने काबू में नहीं, उस रिंग मास्टर का चाबुक उनसे ये सब करवा रहा है। अच्छा। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कभी भी किसी से कोई कर्तव्य नहीं करवाऊंगा। पहले हमारे दोस्तों को इस खाल से रिहा करो। हमें बचाने के लिए शुक्रिया भीम। भीम, ये देखो भीम। ये नक्शा तो किसी जादुई मणि तक पहुंचने का लग रहा है, पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, वो भी महल के अंदर। अगर ऐसे
ऐसी बात है तो इससे पहले महाराज को दिखाते हैं। नहीं, पिताजी बड़े दिनों बाद बहुत खुश लग रहे हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्यों ना हम सब इस मणि के किसी और के हाथ लगने से पहले इसे ले आएं। सही कहा राजकुमारी, चलो चलते हैं। दरअसल मुझे तुम पर पहले से ही शक था। मैं तो बस तुम्हारी तरह नाटक कर रहा था ताकि तुम्हारा असली मकसद जान सकूं। मुझे माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए इंद्र वर्मा, मैं तरह भटक गया था। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना, मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे है ना? बिल्कुल, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, क्योंकि नुकसान तो भीम और उसकी टीम पहुँचाएगी। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, जाने दो। राजकुमारी वहीं ठहरो, आपके कंबल के नीचे कुछ है। कंबल के नीचे मेरा बबलू बाबू है भीम। अब ये बबलू बाबू क्या है? कितना प्यारा खरगोश है, मोटू सा खरगोश। ये मुझे अपने महल के बगीचे में मिला, इसीलिए मैंने तुम सबको बबलू बाबू से मिलने बुला लिया। लगता है बबलू बाबू को भूख लगी है, चलो शाही रसोई से इसके लिए कुछ खाना ले आए। बाय। अब आएगा असली मजा। कहो तो रूप रूप दिखाऊं, कौन सा रूप दिखाऊं? अपने असली रूप। अब होगा धमाल। रूप रोग जैसा तुमने चाहा वैसा ही हुआ। वो राजकुमारी मेरे प्यारे से खरगोश के रूप पर फिदा हो गई। खजाने का दरवाजा तो बहुत भारी है। इस भारी भरकम मुश्किल का सामना करने के लिए मुझे भी भारी भरकम बनना पड़ेगा। रूप रोग मैं बनाऊं। कैसे घुस गया? चलो बाहर, चलो चलो चलो।
चलो भीम, महल में एक हाथी घुस आया है। बबलू बाबू, तुम राजकुमारी के कमरे से भाग निकले। पर अभी तो यहाँ पर एक बड़ा सा हाथी था, वो कहाँ गया और ये खरगोश कहाँ से आया? अरे नहीं भीम, हाथी को छोड़ो, पहले बबलू को पकड़ो। दोस्तों अलग अलग हो जाओ। अरे अब मैं क्या करूं? मैं कौन सा रूप बनाऊं? तो क्या अब मैं फिर से अपने असली रूप में आऊं? मैं आ गया, लेकिन इस बार मैं गजराज का बड़ा सा रूप नहीं लूंगा। इस बार मैं छोटा सा रूप लूंगा जो दरवाजा तोड़ेगा भी और किसी को दिखाई भी नहीं देगा। बबलू तो एक रूप बदलने वाला चोर है। रूप रोग, मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। तुमने मुझे देख लिया बच्चू, मैं रूप रोग है बनाऊं। कौन सा रूप दिखाऊं? कौन सा रूप बनाऊं? अटक गया फूलदान में, अब मैं असली रूप में आऊं। हमारा बबलू बाबू तो चोर बाबू निकला। और कितनी देर आगे बंद रखनी पड़ेगी? दिन हम यहाँ बिताने वाले हैं। अपनी आंखें खोलो दोस्तों। अम्यूजमेंट पार्क, क्या मजेदार आइडिया है भीम। पर शेर पहुंचते हैं, चूहे नहीं। दूर से जितना भयानक दिख रहा है उतना होगा नहीं, चलो मजे करें। वो राइड ऑन करना भूल गए। देखो अमीर बन गया, हीरा पाकर कैसे तन गया। देख क्या रहा है गिल्ली, उठा ले हीरा, चलेंगे दिल्ली। डंडा सिंह फिकर मत करो, मैं उसे अभी पकड़ता हूँ। आपने हमें बुलाया महाराज? भीम, महल से कीमती एटलस हीरा चोरी हो गया है। एटलस हीरा? हाँ, एटलस हीरे की कीमत दुनिया के सारे खजानों के बराबर है। ये हीरे की तस्वीर है। ये हीरा तो कालिया के पास है। उस्ताद, कहीं कालिया एटलस हीरा लेकर फरार तो नहीं हुआ है? हमारे उस्ताद चोर नहीं है। दोस्तों कुछ गड़बड़ है, अंदर चलकर देखते हैं। ऐसा कीचड़ तो नदी किनारे पाया जाता है, तो शायद चोर नदी की तरफ से ही आया होगा। कालिया और हीरा भी उसी के पास होंगे। हाँ?
इसमें से तो सोने के सिक्के गिर रहे हैं। इतना सारा सोना, ये कैसा चोर है? सोना चुरा कर दान कर रहा है। मसीहा है या चोर, ये तो ऊपर चलकर ही पता चलेगा। अब तो पक्का हो गया, ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी जगह पानी के फव्वारों के जाल बिछे हुए हैं। बहुत धूप चुटकी। अरे वाह, ये पहेली तो बड़ी आसानी से सुलझ गई। नहीं जग्गू रुको, वहाँ कोई जाल हो सकता है। भोलू और चुटकी, तुम तीनों पीछे से कालिया को छुड़ाओ, मैं राजू और जग्गू इन लुटेरों से निपटते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, हीरा तो मुझसे। शमशेर सिंह के अड्डे पर चुराकर तुम बच नहीं पाओगे। शाबाश कालिया। अब आई मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। हीरो से भरी गुफा, अरे वाह बढ़िया है। अरे सुनो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी है? बुरियानी, तुम यहाँ हीरे चोरी करने आए हो। लालच की आग में चमका दे हीरा, जब नीचे गिरे तो बन जाए अंगारा। अंदर जाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। वाह बच्चों, ये फूल तो बड़े प्यारे हैं। इस नन्ही सी हीरू का क्या होगा? कौन है? हीरू, मैं हूँ चुटकी। ओह, चुटकी, तुम वापस आ गई। हाँ हीरू, तुम्हारे साथ
खुलवाऊंगी तो वो गुफा को उड़ा देगा। अरे वाह, इतने सारे हीरे, इसके बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर डाकू बन जाऊंगा। चले जाओ यहाँ से, लपक छपक ईना छपक, सिखा दो इस बड़े डाकू को सबक। वो तो मैं सीख चुका हूँ। चुटकी, उसने मेरा जादुई गोला ले लिया, उसके बिना मैं जादू नहीं कर सकती। डाकू मंगल सिंह, तुमने मेरे दोस्तों को परेशान किया, अब तुम्हारा अमंगल होगा, तैयार हो जाओ। ये
ताकत और किसी की नहीं, तुम सब की है। तुम सब एक साथ अद्भुत हो।